Find the sum of the next two numbers in the pattern 2, 4, A 13, B 14. यहाँ पे दो नंबरों के सम नेक्स्ट टू डिजिट पैटर्न जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे देखिए पैटर्न लिखा गया 2, 4, यानी दो दो का गैप हो रहा है 2, 4, यहाँ हो जाना चाहिए 6 और ये 8, 2, 4, 6, 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा जा रहा है नेक्स्ट जो पैटर्न आप लिख रहे हैं टू नंबर्स इन द पैटर्न उसका सम क्या होगा, तो 6 + 8 = 14। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्रिस्ट ओलंपियाड के बारे में डिटेल्स वीडियो हमने बनाए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्रिस्ट ओलंपियाड क्या होता है, इसमें किस तरह के एग्जाम होते हैं, कौन कौन से पेपर के एग्जाम होते हैं, वो सारी और इन्फॉर्मेशन मैंने एक वीडियो में बनाई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो एक बार अवश्य देखिए। आज का हमारा वीडियो है ग्रेड केजी मैथमेटिक्स में सिलेबस एंड सैंपल पेपर में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें यहाँ पर क्रिस्ट ओलंपियाड में एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एग्जाम होते हैं और यहाँ पर केजी से क्लास 12 तक के बच्चे इस ओलंपियाड में एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और डिटेल्स देखने के लिए आप हमारे वीडियो को चेकआउट कीजिए। चलिए अब इसके मैं सिलेबस एंड सैंपल पेपर आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले इसके हम सिलेबस जान लेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है और सिलेबस। क्रिस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड सैंपल पेपर है ये ग्रेड केजी का। पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम हो जाती है, दो ग्रेड रहते हैं यहाँ पर, प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स एंड अचीवर सेक्शन। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स से 20 होती है और मार्क्स पर क्वेश्चन 1 रहता है, तो टोटल मार्क्स 20 हो गए। एंड अचीवर सेक्शन से 5 क्वेश्चन रहते हैं, पर मार्क्स 2, इस प्रकार 10 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन 13 मार्क्स के रहते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 रहते हैं। टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर 1 आवर्स का रहता है, 60 मिनट्स। चलिए अब इसके सिलेबस देखते हैं। सेक्शन 1 में सिलेबस है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपैरिजन, बिग स्मॉल, फ्रंट बैक, फुल एम्प्टी, हैवी लाइट, इन आउट, मोर लेस, राइट लेफ्ट, सेम डिफरेंट, टॉल शॉर्ट, थिक थिन, टॉप बॉटम। नंबर्स में नंबर्स नेम 1 to 50, बिफोर आफ्टर बिटवीन नंबर्स 120, स्किप काउंटिंग 2 and 5, प्लेइंग नंबर, 1 digit एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, पुटिंग साइन लाइक ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, टाइम डे ऑफ अ वीक, मंथ इन अ ईयर, शेप्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल, स्फीयर, कोन, क्यूब, सिलेंडर। अचीवर सेक्शन में हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं सिलेबस एज पर एज सेक्शन के अकॉर्डिंग। चलिए अब इसके साथ मैं आपके लिए क्वेश्चन शेयर करती हूँ। प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स इच क्वेश्चन इन 1 मार्क्स यहाँ पे रहते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम ऑन द गिवन क्लॉक, इस क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है, तो टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एट द नंबर 19 + 4 क्या हो जाएगा, इसको बच्चे इस प्रकार जोड़ सकते हैं, 19 + 4 9, यहाँ पे 4 बार डॉट बना लीजिए, 9 10 11 13 14 14 4 और 1 यहाँ पे कैरी ऑन हो गए, तो 1 and 1 2 कितने हो गए, सॉरी 19 20 21 22 23, यहाँ पर 23 हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन इमेज, यह इमेज जो दिया गया है इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये क्या है, सर्कल या कोन, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कोन। हाउ मेनी मंथ आर देयर इन अ ईयर, एक महीने में, एक साल में कितने महीने होते हैं, ए एंड बी, 11th या 12th, करेक्ट आंसर क्या हो गया,
ऑप्शन ए 12, एक साल में 12 महीने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स, कम्स बिफोर फ्राइडे, फ्राइडे किसके बाद आता है, फ्राइडे के पहले क्या आता है, थर्सडे या सैटरडे। तो यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे कम्स बिफोर फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे के पहले आता है, थर्सडे एंड फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी विंडोज आर शोन इन द पिक्चर्स, इस विंडोज में, इस पिक्चर में कितने विंडोज हैं, तो चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17, दिस इज अ डोर। नंबर 7, आइडेंटिफाई द स्मॉल एनिमल्स, इसमें से हमें स्मॉल एनिमल को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, रैट एंड लॉयन, इन दोनों में स्मॉल एनिमल कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रैट इज अ स्मॉल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब होता है माइनस करना, यहाँ पर 6 लीफ है और माइनस करके 3 लीफ हो रहे हैं, तो 6 में से 3 हम क्रॉस करते हैं तो कितना होगा, यहाँ पर अगर हम 3 क्रॉस कर देते हैं तो हमारे पास बचता है 1, 2, 3, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर इन द पैटर्न, इसके नेक्स्ट पैटर्न के जो दो नंबर्स हैं उसका सम क्या होगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएंगे और यहाँ पर 8, 2, 4, 6, 8, हर के बीच में 2, 2 का डिफरेंसेस है और इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 14, सो करेक्ट आंसर इज 14। फाइंड द सम ऑफ द नेक्स्ट टू नंबर्स इन द पैटर्न, पैटर्न्स के जो लास्ट दो नंबर्स हैं उसका सम हमें यहाँ पर बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द शेप ऑफ द गिवन चॉकलेट बार, इस चॉकलेट बार का शेप क्या है, ए स्क्वायर, बी रेक्टेंगल, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल शेप है, देखिए इस तरह अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज अ रेक्टेंगल शेप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन द गिवन पिक्चर्स, पिक्चर्स में कितने एप्पल हैं उसको काउंट करके हमें लिखना है, चलिए देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स, कम्स बिफोर अक्टूबर, अक्टूबर के पहले क्या आता है, ए नवंबर या बी सितंबर, सो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी सितंबर, कम्स बिफोर अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द गिवन सीरीज 12-14-15, देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बच्चों 14 के बाद जस्ट हम 15 काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसीलिए 12 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 13, तो इस प्रकार ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा 12-13-14-15, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, Which one is the back image of the given image? इस इमेज का बैक इमेज क्या होगा?
ए या बी, ये साइड इमेज हो रहा है और इसका ये इमेज का बैक इमेज ये हो जाएगा, पीछे से ये दिखेगा, इसका फेस नहीं दिखेगा। तो ये हो गया, दिस इज द बैक इमेज। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज फेसिंग टूवर्ड राइट। राइट की तरफ फेस कौन से वर्ड का है? सो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए या बी, ए। ये इधर राइट है, ये लेफ्ट है। नंबर 16, विच साइन शुड बी यूज टू प्लेस ऑफ 15-15, इन दोनों में से कौन सा साइन हमें यहाँ पर लगाना है? विच साइन शुड बी यूज टू प्लेस ऑफ 15 इक्वल टू 15, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 इक्वल टू 15 होगा, क्योंकि 15 15 के बराबर है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द सर्कल। इसमें से सर्कल कौन सा है? तो ए इज द ओवल शेप एंड बी इज द सर्कल, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच नंबर इज गिवन इन द इमेज। इस इमेज में कौन सा नंबर बन रहा है, 6 या 7? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शेप ऑफ गिवन इमेज। इस इमेज में कौन सा शेप है, ट्राई सर्कल या ट्राइंगल? तो दिस इज द ट्राइंगल, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी पाइनएप्पल्स आर सीन इन द पिक्चर्स बिलो। इस इमेज में कितने पाइनएप्पल्स हैं, ए 1 या B 0? ये क्या है, एप्पल, बनाना, ऑरेंज। तो यहाँ पर हमें एक भी पाइनएप्पल्स नहीं दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, 0। 0 मीन्स कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब हमारा 5 जो है अचीवर सेक्शन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फाइंड द मिसिंग नंबर 8, 10, 14, 16। यहाँ पे 2-2 का डिफरेंसेज हो रहा है, यहाँ पे भी 2-2 का डिफरेंसेज हो रहा है, तो यहाँ पे नंबर हो जाएगा मिसिंग नंबर 12। तो 8, 10, 12, 14, 16, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच क्लॉक इंडिकेट 6 o'clock, 6 o'clock कौन से घड़ी में बजा रही है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 o'clock। फाइंड द चेक विंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इन सब में से 1, 2, 3, 4, 5 में से कौन सा ऐसा चिक है जो अलग दिख रहा है? तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज द डिफरेंट। सभी में देखिए इसके कान ऊपर की तरफ है और इसमें एक कान नहीं दिख रहा है, तो डिफरेंसेस क्या हो रहा है, वो हमारा अलग है। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन हो गया ए, दिस इज द करेक्ट आंसर नंबर 24। कंप्लीट द सीरीज, इस सीरीज को हमें कंप्लीट करना है। 8, 9, 10, ये क्या हो रहा है, सीरियल नंबर से काउंट हो रहे हैं 8, 9, 10, तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, 6, 7, 8, 9, 10, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 एंड द लास्ट क्वेश्चन, इसमें 25 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ ओलंपियाड में केजी के बच्चों के लिए। यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी ट्रीज हैव एप्पल्स इन इमेज बिलो, कितने ऐसे ट्रीज हैं जिसमें एप्पल दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इस ट्री में कोई भी एप्पल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर देखिए 10 ऐसे ट्री है जिसमें एप्पल दिख रहे हैं, एक ऐसे ट्री है जिसमें एप्पल नहीं दिख रहे हैं। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 10 ट्री है जिसमें हमें एप्पल दिख रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
तो ये थे केजी वन मैथमेटिक्स के पेपर। नेक्स्ट क्लास फर्स्ट सेकंड थर्ड और भी क्लास के पेपर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर पूरे के पूरे क्वेश्चंस पेपर एंड प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस पेपर आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।